हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हो इन्फ्लेशन कितनी ही तेजी से बढ़ रहा है। साल दर साल महंगाई बढ़ती ही चली जा रही। 6% 5% से बढ़कर अब इन्फ्लेशन 8-9% तक आ चुका है। हमारी अर्निंग्स तो उसके कंपैरिजन में इतनी नहीं बढ़ रही जितना तेज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ऐसे में ये सही वक्त है कि आप अपने सेविंग्स, अपने फंड्स को यूटिलाइज करो ताकि आपके लिए एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम खुल सके। और इस वीडियो में मैं उसी एक एसेट के बारे में बात करूंगा जो शायद आपको इन्फ्लेशन से तो बाहर ले ही आएगा पर आपको एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम भी देगा। आपकी सैलरी आपके बिजनेस के अलावा भी एक ऑप्शन है आपके पास जो आपको लो रिस्क पर एक अच्छा रिटर्न, फिक्स रिटर्न दे रहा है। यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं शुरू से ही ज्यादा फिक्स डिपॉजिट के फेवर में नहीं रहा हूँ क्योंकि रिटर्न्स बहुत ही कम होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपके सारे फंड्स बैंक्स उसको 100% उसके ऊपर गारंटी देती है। बैंक्स भी 5 लाख तक की ही गारंटी देती है। That's why मैं कहता हूँ कि फिक्स डिपॉजिट बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो आइए बात करते हैं हम इस एसेट के बारे में। ये एसेट क्या है और क्या रिटर्न्स आपको दे सकता है। तो ये एसेट में आप मिनिमम 10 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो और ये 10 लाख आपको बड़े ही आराम से 16% तक का ईयर ओवर ईयर रिटर्न देते रहेंगे। 16% रिटर्न अगर आप कैलकुलेट करो तो फिक्स डिपॉजिट के कंपैरिजन में तो 2.5 गुना ज्यादा है। म्यूचुअल फंड से कंपेयर करो तो म्यूचुअल फंड में थोड़ा रिस्क होता है बट आप 13-14% बनाते हो तो उसके कंपैरिजन में भी ये 2% ज्यादा है। तीसरा, अगर आपको मैं बताऊं स्टॉक्स काफी ज्यादा डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशंस के ऊपर, आपके एनालिसिस के ऊपर। पर हाँ, अगर ओवरऑल बताऊं मैं तो स्टॉक्स आपको 12-15% के बीच रिटर्न देता है। तो इन तीनों एसेट्स को अगर आप कंपेयर करो उस एसेट के साथ जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो ये सबसे बेस्ट एसेट। आइए बात करते हैं इस एसेट के बारे में। इस एसेट को कहते हैं कमर्शियल रियल एस्टेट का कोवर्किंग स्पेस। आपको पता होगा इंडिया आज के डेट में स्टार्टअप्स में 3rd रैंक करता है आफ्टर यूएसए एंड चाइना। इंडिया का नंबर 3rd है। इतने सारे स्टार्टअप्स बनते हैं, क्या सारे स्टार्टअप अपनी खुद की ऑफिसेस खोलते हैं? क्या वो खुद की एक प्लेस ओन करते हैं, रेंट करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मोस्टली स्टार्टअप आप देखोगे वो जाते हैं कोवर्किंग स्पेस के लिए क्योंकि वो उनके लिए काफी चीप ऑप्शन होता है। उनको मेंटेनेंस नहीं करना, उनको मैनेज नहीं करना चीजें, उनको ज्यादा रिसोर्स नहीं खर्च करना, उन्हें लो कॉस्ट पे सब कुछ बना बनाया चाहिए। पास्ट अगर आप 7 साल का डेटा देखोगे तो ये एक ऐसा स्पेस है जो कि हर साल 10% से ग्रो कर रहा है इंडिया। ये 10% ग्रोथ बहुत बड़ा नंबर है अगर मैं आपको बताऊं। ये एक ऐसा एसेट है जो कि आपको मंथली रिटर्न्स देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 10 लाख रुपए में अगर मैं आपको बताऊं आपका फर्स्ट ईयर का रिटर्न क्या आता है तो वो है 18% का, जिसमें कि आपको 1.5% आपके प्रिंसिपल का 1.5% हर महीने आपके एनआरओ अकाउंट में क्रेडिट होता है। इसको आप एनआरओ से इन्वेस्ट कर सकते हो और फंड्स भी आपके एनआरओ में ही आएंगे। यहाँ पे टीडीएस इम्प्लीकेशंस मतलब टैक्सेशन की बात अगर करें तो ये प्योरली आपके टैक्सेशन स्लैब के अंडर। आपको पता होगा कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से नीचे है तो आपके ऊपर 0 टैक्स इम्प्लीकेशन है, आपको कोई टैक्सेस पे नहीं करने। लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज लायबल है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे आपका 3.3% टीडीएस डिडक्ट होता है जो कि बहुत कम है। अगर आपका रेंटल इनकम से 15,000 रुपए आपको हर महीने आ रहा है इस इन्वेस्टमेंट से तो उसके ऊपर 3.3% की टीडीएस डिडक्ट की जाएगी जो कि अगेन आप आईटीआर फाइल करके क्लेम कर सकते हो। इतना इजी है। अगर नेक्स्ट ईयर मैं बात करूं तो नेक्स्ट ईयर आपको 1.2% हर महीने मिलते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के, तो अराउंड 12,000 रुपीज आप नेक्स्ट ईयर से अर्न करते हो। अगर आप ओवरऑल देखो तो सेकेंड ईयर से आपके जो रिटर्न वो 14.4% के अराउंड, और ये फिक्स रिटर्न है जो कि आपके लीगल अग्रीमेंट में होता है, तो इसे आप एक सिक्योर एसेट भी मान सकते हो। सिक्योर एसेट मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसे टर्मिनोलॉजी में यहाँ पे क्यों यूज कर रहा हूँ, हर जगह मैं नहीं कहता कि ये सिक्योर एसेट है। इसका रीजन है कि सबसे पहले तो ये एक फिजिकल एसेट है, जो कोवर्किंग स्पेस है वो एक फिजिकली ओन्ड एसेट है, तो उसे कभी भी लिक्विडेट किया जा सकता है जिसकी वजह से आपके पास एक प्रिंसिपल गारंटी। दूसरी बात अगर हम करें तो यहाँ पे जो फाउंडिंग कंपनी है वो आपको कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइड करती है। ये गारंटी वहाँ पे डिफाइन करती है स्टैम्प पेपर पे, लीगल डॉक्यूमेंट पे, आपके सारे डिटेल्स के साथ और उनके विटनेसेस के साथ कि आपने 10 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट की है और इसके बेसिस पे द कंपनी इज लायबल टू पे यू रिटर्न्स ऑन मंथली बेसिस। दिस इज हाउ आई कॉल दिस एसेट अ सिक्योर एसेट। सबसे पहला रीजन हमेशा मैं कहता हूं, अगर फिजिकल एसेट है जिसकी वैल्यू डिप्रिशिएट नहीं होती है, डिप्रिशिएट यानी कि वैल्यू नहीं गिरती है नीचे, तो कमर्शियल रियल एस्टेट की वैल्यू जो है पास्ट 10 सालों की उसमें कोई बहुत ज्यादा डाउनफॉल नहीं हुआ है इवन इन टाइम्स ऑफ कोविड। कोविड में अभी अगर आप देखो
co-working space का area, तो यहाँ पे अगर normally 80% occupancy होती है, से अगर वहाँ पे 100 seating का space है, तो 80 occupancy अगर normally होती है, तो COVID के time पे वो कम होकर 60 होती है। ये भी एक analysis है company, जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि ये एक अच्छा asset है आपके लिए। अगर आपको इसमें invest करना है, तो आप अपने NRO account, PAN card और कोई भी एक फॉरेन आईडी प्रूफ या इंडियन आईडी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड या फिर आपका पासपोर्ट, इसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सब कुछ डिजिटल है, तो आपको कहीं किसी बैंक में या फिर किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास नहीं जाना पड़ता है, सब कुछ डिजिटली हो जाता है, डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हो आप और आप यहाँ पे एक इन्वेस्टर बन सकते हो। यहाँ पे आपकी प्रिंसिपल सिक्योरिटी तो है ही, अगर आपने आज इन्वेस्ट किया तो नेक्स्ट मंथ से ही आपकी पे आउट स्टार्ट हो जाती है, आपका प्रिंसिपल हमेशा सिक्योर है, आप जब भी चाहो एक साल के बाद एग्जिट कर सकते हो बिना किसी लॉसेस। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपको एक अच्छा प्रॉफिट बनाना है तो कम से कम 3 साल के लिए इन्वेस्ट करके रखो, कि फर्स्ट ईयर की इनकम आप 18% की एंड नेक्स्ट ईयर की इनकम 14.4%। अगर आप सम अप करके देखोगे एवरेज, तो ऑन एन एवरेज आपने 16.8% ईयर ओवर ईयर बनाया है, जो कि खुद में एक बहुत बड़ा नंबर है, आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो ये जो नंबर्स मैं बता। रेस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन भी देख सकते हो, काफी प्रॉपर वे में यहाँ पे एक पे आउट स्ट्रक्चर बनाया गया है कि हर महीने आपको कितने रिटर्न्स मिलते हैं। आई होप इससे आपकी कैलकुलेशन काफी सिंप्लीफाइड हो जाए। कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना काफी लोग चाहते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि वहाँ पे टिकट साइज बहुत ज्यादा होती है। सभी को पता होगा कि एज एसपी एनआरआई हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे एनआरआई फ्रेंड्स को अच्छे से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, और यही रीजन है कि हम ऐसे एसेट लेकर आए हैं जिसमें कि आप सिर्फ 10 लाख रुपीज से इन्वेस्ट। रेस्ट सिर्फ मेरी बातों पे मत जाओ, डू योर ओन रिसर्च ऑल्सो। इफ यू वॉन्ट, आप कभी भी मुझसे या मेरी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट की टीम्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो हमारे SBNRI ऐप को यूज करते हुए, या फिर आप नीचे कमेंट कर सकते हो और हमारी टीम आपको रीच आउट करके आपको असिस्ट करेगी। आपको जो भी आइडिया चाहिए होगा एसेट का, उसकी पास्ट हिस्ट्री, आपको सब कुछ मिल सकती है। आई होप ये एसेट आप सभी को काफी लुक्रेटिव लगा होगा, मैंने खुद ने भी इस एसेट में ही इन्वेस्ट कर रखा है, मेरे और भी इन्वेस्टमेंट्स हैं स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, पर पर्टिकुलरली मैं बताऊं अगर मुझे थोड़े से सेफर साइड पे कोई अच्छा एसेट दिखता है जो 13% से ज्यादा रिटर्न दे सकता है, मैं डेफिनेटली उसके साथ जाता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को खुद तक लिमिट मत करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जिनके प्लान्स हैं इन्वेस्ट करने की, या शायद बाहर रहकर वो कर नहीं पा रहे हैं, उन्हें प्रॉपर आइडिया नहीं है। लेट देम नो देयर इज अ कंपनी हु इज रेडी टू हेल्प यू एंड देयर आर नो चार्जेस फॉर दैट। हम एज SBNRI हम कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, तो आप बस हमारे प्लेटफॉर्म को यूज करके यहाँ से इन्वेस्टमेंट्स या बैंकिंग या फिर टैक्सेशन या फिर कोई भी अगर आपको डाउट हो एज एन NRI, तो आप वहां से पूछ सकते हैं। See you.